सफीदों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव छापर में हम आज आए हैं, जहां की जनता पेश करेगी विधायक का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं रवि आनंद। आज हम जानेंगे विधायक जसबीर देशवाल ने छापर में कितनी विकास कार्य किए हैं। हमारे पास जो बैलेंस शीट है इसके अनुसार 84,92,000 रुपये इस गांव के विकास में खर्च हुए हैं। आइए जानते हैं ज़मीनी हकीकत। गाँव छापर के निवासी जसविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी में कितना कार्य हुआ है। जी, हाँ जी, बहुत सारे जो काम आंगनबाड़ी में किया सारा करे है, बाकी और काम बहुत करे हैं। इस सरकार में हमारे इतने खेतों 7 रास्ते बने हैं, जो कम से कम 25-25-30-30 किल्या के पक्के हो गए खेत के रास्ते। हमारे छापर में तो बहुत बढ़िया काम हुए हैं और बहुत खुश है छापर वाले तो। और इस आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या व्यवस्था? आंगनबाड़ी में सारा जो भी मतलब बहुत सफाई सुधरे, साफ रंग रोगन सारा बहुत ही मतलब कोई ऐसा काम है नहीं, जो खुश हैं सारे आंगनबाड़ी वाले भी सारी। और चपाड़ों में जाकर देख लो सोने काम चलते, नाले बन गए ने, 25-25 किल्या के रस्ते होंगे जो हमारे खेतों के, जो सा इतने कपड़े तार के जाया करें तो टोल बंद करना, अरे मोटर पर एक मिनट में पहुँच जा, बहुत मारे तो सुधार हुआ गाँव में बहुत ज़्यादा जी इस सरकार में। छापर गाँव के पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना कार्य हरिजन चौपाल के लिए हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। करण सिंह जी। आप हरिजन चौपाल के पास रहते हैं, तो कब तक ये अधूरा पड़ा हुआ था और फिर निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और क्या क्या कार्य इसमें हुआ? ये साल में ये टंकी बनी है और ये गली नाली बनी है, ये ऊपर की दीवार बनी है, ये अपना पेंट होने लग रहा। और भी कोई कार्य है जो इसमें हाल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? बस कितनी ग्रांट आई थी? 3.75 लाख रुपये आए होंगे जी। तो आप विधायक जी के कार्य से खुश हैं? हाँ, खुश है जी। तो गांव में जो अन्य कार्य हुए हैं तो वो संतोषजनक है या नहीं? बढ़िया जी जमा। विधायक जसबीर देशवाल जी के द्वारा आपके गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं? एक तो वाल्मीकि चपाड़ का निर्माण हुआ है। वाल्मीकि चपाड़ में एक नल लगा है, वाल्मीकि चपाड़ में एक डग्गी बनी है टंकी और पानी वाली, और एक इसके सामने जो गली है वो यहाँ से लेके गांव मेन रोड से लेके और वहाँ तक जो जहाँ तक ये के नाम 100 गज के प्लाटों तक। तो जो जो कार्य हुए हैं विधायक जी के द्वारा उसे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरी तरह संतुष्ट है। आपकी क्या राय है विधायक जसबीर देशवाल जी के? विधायक जसबीर देशवाल से बहुत अच्छा काम किया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं शमशेर स्पीदों से हूँ, छापर में काम करता हूँ। ये वाल्मीकि चौपाड़ काम चल रहा है और इधर है इधर हरिजन चौपाल जो उसमें काम चल रहा है। छापर गांव में तकरीबन सभी गलियां बन चुकी हैं, कुछ ही रहे उसमें काम चल रहा है। और इधर नल लगाया, इधर ये पानी के लिए बाहर पीने के लिए टंकी बनी हुई है, और भी काफ़ी काम चला हुआ इधर। और काम देशवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम इस बात से संतुष्ट हैं। तो इस बार हलके में आप किसको जिताना चाहेंगे? हलके में जी हमारी राय ये है कि हम जसबीर देशवाल को ही वोट दें और उस पूरे समर्थन से ही मतलब के पूरे बहुमत के साथ ही बनाएं। छापर गांव के चौकीदार हमारे साथ है और हम इनसे जानेंगे कि कितना कार्य उनके गांव में हुआ है। अभी हम शमशान घाट में हैं और आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम धर्मवीरा जी। तो मैं, ये शमशान घाट है तो इसमें क्या क्या नए कार्य हुए हैं? इसमें बरौंदे बना है, एक हाइड पंप लगा हुआ है अभी, और ये गली बनी है पक्की, और इसके अंदर जो भी काम होता है सब अच्छा होता है। और विधायक जसबीर देशवाल जी ने आपके गांव के लिए क्या क्या कार्य किए? मेरे गांव के अंदर पूरी गली बना दी, कुछ छूट भी रही हैं वो भी बनने के लिए तैयार हैं, और एक चौपाल बनी है, हरिजन चौपाल में भी काम चला हुआ है, वाल्मीकि चौपाल में भी काम चला हुआ है, और लगभग सभी काम ठीक हैं। तो विधानसभा चुनाव आने वाले, ऐसे में आपकी जसबीर देशवाल जी के बारे में क्या राय है? सरकार बहुत अच्छी है, इसके बारे में ठीक राय है, हम तो उसके ही क्षेत्र में चलेंगे। गाँव के जिम में अभी हम मौजूद है, जहाँ पे लोगों के लिए जिम के सारे इक्विपमेंट मौजूद है, और हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाए गए हैं और आप क्या करते हैं सबसे पहले? मैं खेती करता हूँ और मेरा नाम हरविंदर सिंह है, तो मैं इस गाँव का ही रहने वाला हूँ। और इक्विपमेंट के बात करें तो आप यहाँ पर जो मशीन लगी है बटरफ्लाई है, चेस्ट की है, उसके बाद ये बेंच फ्रेश है, तो तकरीबन सभी इक्विपमेंट यहाँ पे हैं। वेटलिफ्टिंग का काम जो है, मशीनें सभी हैं वहाँ पे। तो कब ये चीज़ें यहाँ पे लाई गई और
इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? इसका इस्तेमाल तो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जो मैनेजमेंट है हमारी जो है बिल्कुल, जो लड़के हैं जो अच्छे नए यंग हैं तो वो संभाल रहे हैं उसको, प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं इनको, संभाल रहे हैं। जो सामान है उनका, जो बंदे नए आ रहे हैं उनका नाम भी लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो हम तो प्रमोट कर रहे हैं भी लोगों को, आओ जिम करो हमारे यहाँ पे, बाहर के लड़के भी आते हैं तो यहाँ पे दूसरे गाँव। सब कब व्यवस्था की गई? व्यवस्था हुई है ये 2014 की बात है मेरे ख्याल में, तो यहाँ पे सब व्यवस्था कराएगी। और गांव के लिए आपके विधायक जसबीर देसवाल जी ने क्या क्या किया? जसबीर देसवाल जी की बात करें तो हमें, मेरी उम्र होगी एक तकरीबन 35-36 साल, तो मैंने आज तक मेरे गांव में इतना विकास नहीं देखा, मैंने आज तक अपने गांव में इतना विकास नहीं देखा जितना उन्होंने करवाया है। बाहर की सड़कें या फिर नहीं हो गई या प्लाटी हो गई किसी की वहाँ पे खेत में जाने के लिए, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से विकास और ग्रांट भी बहुत दी है। आज तक मेरी ज़िंदगी जब मैंने देखा संभाली है तो मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं दिया इतना पैसा। जो पूरी तरह संतुष्ट है विधायक जी के? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी से बिल्कुल संतुष्ट है जसबीर देसवाल जी, और हम उनके साथ भी हैं बिल्कुल साथ बिल्कुल। जो भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी? अगर वो बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल जीत होगी, क्यों नहीं होगी, हम साथ में एकदम तन मन धन से बिल्कुल साथ देंगे उनका, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे पूरी। गांव छापर के पंचायत सदस्य सुमेर सिंह जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि कितना कार्य आपके गांव में हुए हैं विधायक जसबीर देसवाल जी के द्वारा। विधायक जसबीर देसवाल जी ने मेरे गांव में 70-80 लाख रुपए दिए हैं, और जिससे गांव की हरिजन चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है, और यहां के जो फिरने का एक नाला था वो मंजूर करवाया था। और सड़कों का क्या हाल है? सड़कें अब पहले कुछ टूटी हुई सड़कें थी, एक अभी नई सड़क मंजूर करवाई है, और उनकी जो पुरानी सड़कें थी उनकी रिपेयर भी करवाई है। और 7-8 प्लाटी थी मेरे खेतों में जो जा रही थी, जो कच्चा रास्ता था, तंग होते थे लोग आते जाते समय कीचड़ में, वो पक्की करवा दी हैं। 20-20 किलो करीब की वो प्लाटियां हैं। ग्रांट में कभी किसी तरह की कमी आई है आपको लगा है कि? ना ना ऐसी कोई नहीं, पहले कभी इतना काम हुआ नहीं था जब की बार विधायक जी ने मेरे गाँव में करवाया है। जो पहले भी MLA बने उन्होंने कभी इतनी ग्रांट नहीं दी थी जब की बार मेरे गाँव में आई है। तो आप पूरी तरह संतुष्ट है विधायक? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, विधायक जी से, जसबीर देसवाल जी से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो आज आपने जाना सफीदो हलके के विधायक जसबीर देसवाल जी के बारे में, छापर गांव की जनता की राय कि पिछले 5 सालों में उनके गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए। कैमरामैन रोहन के साथ मैं रवि आनंद।